So hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS number one platform for your CSAT preparation. तो आपने CSAT का एग्ज़ाम देख लिया होगा और 2024 का पेपर देख के आप बहुत खुश ही होंगे अगर आपने अभिमन्यु IAS के साथ तैयारी की होगी. बिकॉज मैंने एक वीडियो डाली थी क्लास नोट्स, मैंने एक वीडियो डाली थी बहुत अच्छी. कौन सी? क्लास नोट्स वर्सेस UPSC CSAT एग्जाम 2024. क्या मतलब था इसका? कि भाई आपने जो क्लास नोट्स किए उसकी मैंने कंपैरिजन करके दिखाई आपके एग्जाम से कि कितने क्वेश्चन डायरेक्ट, ऑलमोस्ट आप कहेंगे डायरेक्ट, जिसमें सिर्फ वैल्यूज का फर्क था. अब 2+3 हो, अगर आपको पता है कैसे करना है तो 4+5 भी कर ही लोगे. तो मैंने डिफरेंस दिखा और डेली जो मैं अब आपके पास शॉर्ट्स भी आ रहे हैं उसमें भी मैं थोड़ी सी झलकियां दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने सिलेबस को लगाया. क्योंकि जब आप 2023 की बात करेंगे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम था, 2024 का पेपर थोड़ा सा लेंथी था. ऑलमोस्ट मतलब इतना आसान भी नहीं माना जाएगा कि बिल्कुल कहोगे हलवा जैसा पेपर था, ऐसे भी नहीं, बहुत अच्छा पेपर था. ठीक है, आपकी मॉडरेट लेवल का था थोड़ा सा. ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे जो थिंकिंग लेवल बेस्ड थे, कुछ क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिकल थे, कुछ क्वेश्चन थे तो प्रैक्टिस बेस्ड थे. मतलब ऑल अराउंड मिला जुला एक बहुत अच्छा पेपर माना जाएगा इसको. एक्चुअली में CSAT का पेपर ऐसा ही आता है. ठीक है, ऐसा ही होना भी चाहिए. पिछली बार वाला एग्जाम तो कुछ ज़्यादा ही था. ठीक है, तो हमने उसी लेवल की तैयारी की थी कि अगर ज़्यादा हाई लेवल का पेपर आए, कि ज़्यादा अगर हाई लेवल का एग्ज़ाम आता है तब भी हम उसे टैकल कर पाएं. अगर एवरेज एग्ज़ाम आता उसे तो हम आराम से कर लेंगे. अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल का आता तो उसे भी हम इजीली कर लेंगे. और वही हमारी स्ट्रेटजी थी जो हमने पूरे बैच में करवाई और टिल एग्ज़ाम के डेज तक हम लगातार प्रैक्टिस सेशन चला रहे थे, इसीलिए कि स्टूडेंट्स को टेंशन ना हो और वो इससे दूर ना जाए. प्रैक्टिस सेशन चलाने का क्या मतलब था? रीज़न यही था, यूट्यूब पर तो सेशन आ ही रहे थे बट हम यहाँ पे हमारा जो बैच था उसमें प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा था. रीज़न था कि स्टूडेंट्स कभी भी दूर ना हो CSAT से. बिकॉज अगर मैंने क्लासेस ना ली या मैंने क्लासेस बीच में स्किप कर दी तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, एक मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा. मोमेंटम ब्रेक नहीं होने दिया हमने कभी भी. तो ये एग्ज़ाम तक आपकी क्लासेस चली, ऐसी बात नहीं होती है. क्लियर, तो इसीलिए बच्चों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी हुआ. क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते. आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट, देखिए आज हम क्या करेंगे. आज हम करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस और कुछ अलग क्वेश्चन, कुछ उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप फिर प्रैक्टिस के लिए. क्लियर, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट इज, यस वी हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट कि टारगेट CSAT 2025 कि हमने जिस हिसाब से 23 से 24 तक हम स्टूडेंट्स को लेके गए वैसी 24 से 25 का सफर हमारा शुरू हो चुका है. उसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरी करवाई जाएगी आपको, लॉजिकल पूरी रीजनिंग करेंगे और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे तरीके से. ऐसा नहीं कि हम एक ही सब्जेक्ट की बार बार तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी सबकी तैयारी करेंगे. क्लियर, फुल. ये एक्चुअली क्या है, ये मेरा जीरो से बैच शुरू होता है बिल्कुल. कि अगर आपको क्वांट का क्यों नहीं आता, लॉजिकल रीजनिंग का एल नहीं आता, इंग्लिश का ए नहीं आता, मैं आपको बताऊंगा ईच एंड एवरीथिंग. क्लियर, इसके अंदर क्या है आपके पास, वो फ्रेश बैच कमिंग सून, बहुत जल्दी ही हम इस बैच को लेके आ रहे हैं. उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा और इसमें क्या होगा, एडवांस एडवांस लेवल तक जाएंगे, एडवांस मेथड, एडवांस मॉडरेटेड मेथड से क्वेश्चन किए जाएंगे. क्लियर, आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने लिमिटेड सीट्स को बुक कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके. बिकॉज हमारे पास लिमिटेड बैच रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों. ये आपके पास ऑनलाइन बैच भी रहेगा और ये आपके पास ऑफलाइन बैच भी रहेगा. क्लियर, इसी डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. हेलो लिखे, CSAT लिखे, जैसा आपका दिल कीजिए, टीम विल डेफिनेटली कनेक्ट यू. ठीक है, वी हैव चंडीगढ़ सेंटर एंड मोहाली सेंटर. चंडीगढ़ में जो सेंटर है हमारा उसका नंबर, उसका एड्रेस है प्लॉट नंबर 7 और ग्राउंड फ्लोर पंजाब केसरी बिल्डिंग सेक्टर 25 चंडीगढ़. क्लियर, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार. एंड मोहाली सेंटर हमारा रहेगा
प्लॉट नंबर C126, बिल्डिंग नंबर 2, फोर्थ फ्लोर, फेस 8, इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली। क्लियर। सो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है हमारे हेड ऑफिस। क्लियर। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट्स को बुक कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलिए, तो चलते हैं परसेंटेज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन था जो आपके पेपर में था परसेंटेज का, वो था ये, पीज सैलरी इज 20% लोअर देन क्यू सैलरी विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी बाय हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी। करिए इस क्वेश्चन को जरा सा, देखिए क्या दिया मुझे, पी के ओवर तीन दिए, पहले पी और क्यू पी सैलरी 20% लोअर देन क्यू सैलरी, 20% का मतलब 1/5 और ये 4, विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी, मतलब आर की सैलरी कितनी, अगर 5 है तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, ऐसा कुछ कर सकते हो आप इसको। ठीक है, बड़ा इजी हो गया। देखो यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो, 16 ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 25। क्लियर। चलिए रेशो बन गया फटाफट, अब इसको सॉल्व करना पड़ता है, जल्दी सॉल्व करके आंसर बताइए। तो चलिए अब मुझे क्या बोल रहे हैं, बाय हाउ मच परसेंटेज आर द सैलरी मोर देन पी सैलरी, कि आर की सैलरी पी की सैलरी से कितनी ज़्यादा, तो कितनी ज़्यादा है आप क्या कहोगे, सर 9 ज़्यादा है किससे, 16 से गुना 100%, कुछ ऐसे ही, 4 जो कि 16 25, 25 गुना 9 कितना 225, 225 बटे 4% 56.25%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज़ देखो जरा, अगर मैं अगली चीज़ पर चलूँ, अगर मैं इसको देखो आपका वो ट्रेडिशनल मेथड 100 वाले से चलता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, देखो क्या दिया है, पी सैलरी 20% लोअर देन क्यू सैलरी, यानी पी क्यू, क्यू को अगर मैं 100 बोलता हूँ तो पी मेरे पास 80 हुआ, विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी। देखो क्यू और आर की अगर मैं बात करता हूँ, लोअर देन आर द सैलरी, यानी अगर 20% 5 है तो 4 ही है, यानी क्या हुआ अगर मेरे पास 100 हुआ कितने गुना 25 गुना, तो उसको 25 से गुना करो 125 हो गया, यानी आपके पास आर कितना हुआ 125 आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपके पास ऑल्टरनेट मेथड था ऑलरेडी। क्लियर। अच्छा बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन पी सैलरी, तो आर की सैलरी पी की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, 45 ज़्यादा है किससे, 80 से गुना ऑफ 100%, 20 चौके 80, 20 पंजा 100, 5 चौके 20, ये भी कितना आ गया देखो 225 बटे 4%, जो कि आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों में से जैसे मर्जी आप कर लेते, बिकॉज जब मैं बैच करवाता हूँ ना, जब भी मैं डिटेल में करवाता हूँ मैं पहले हमेशा ये करवाता हूँ। रीज़न क्या है, स्टूडेंट को पता चलेगा कि एक ट्रेडिशनल मेथड में और एक एडवांस मेथड में व्हाट इज द डिफरेंस, आपको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि जो मेथड आप कर रहे हैं उसका ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक कहाँ पे होगा, जब वो बात करेगा 16.2/3% की, जब वो बात करेगा 22% की, तब दिक्कत आएगी, कैसे निकाल लेंगे, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं दोनों अगर इकट्ठी निकाल दी। यहाँ मैं कर सकता हूँ 22.2/9 लिखो बेसिकली इसको, ठीक है ठीक है, तो ऐसे अगर वैल्यूज देगा तब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, ये मेरे लिए फिर एक बड़ा मेथड हो जाएगा। क्लियर। तो उस केस में ये वाला मेथड नहीं लगाऊंगा, ये मेरा बेस्ट मेथड होगा जो मैं अप्लीकेबल करूँगा, इसीलिए मैं हमेशा बैच में कहता हूँ प्रैक्टिस करिए, बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए चलिए अ नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। मैंने जो बैच में क्वेश्चन कराया वो क्या था, कि किसी नंबर को 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ यहाँ 4 है तो वहाँ 5 था, दैट्स इट। तो बेसिक से अगर किया होता तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही था। देखो मेरे पास क्या, एक स्टूडेंट्स ओरिजिनल नंबर होगा, एक फाइनल नंबर होगा। मैंने माना कि मेरे पास नंबर एक्चुअली में k था। मुझे करना क्या था, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4 वी डिवाइड मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 4। देखो ओरिजिनली नंबर मेरा होना क्या चाहिए था, आपको उस नंबर को k से डिवाइड करना था, बस मिस्टेकनली आपने किया क्या, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई करना था 4 से, डिवाइड किससे कर दिया आपने 4 से, तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन आंसर।
आंसर बताना। एक बात याद रखना, इस केस में नंबर कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर, बिकॉज जब आप रेशो की बात करते हो ना, एक बात सुनिए मेरी बात, ये बात मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी स्टूडेंट में रेशो की बात करता हूँ ना, जैसे सपोज करो ए रेशो बी ए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर समझ लेना, बहुत आगे तक काम आएगा, क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। अगर मैं इसको एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4a ratio 4b, ठीक है, परसेंटेज विल नॉट गोइंग टू चेंज, मतलब नहीं चेंज होगा मेरे पास ये, ठीक है। अगर मैं इसको सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ, a बाय, सपोज करो मैंने 9 से डिवाइड किया, b बाय 9, ये अभी भी मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, अभी भी ए रेशो भी है। मैं ऐसा कोई भी ऑपरेशन लगा लूँ, कोई भी सिंगल ऑपरेशन लगा लूँ, जिससे मेरे पास बेसिक नेचर ना चेंज हो मेरी रेशो का, वो मैं लगा सकता हूँ। सपोज करूँ, अब मैंने क्या किया, ए प्लस बी किया और बी, सॉरी ए प्लस मैंने किया के, ए प्लस किया के और बी, बी में मैंने के ऐड कर दिया, हो गया। अब मेरी एक बात सुनो, मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने के ऐड कर दिया। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये 2 है, ये 3 है, अभी 2 ratio 3 है, इसमें मैं 1 ऐड करता हूँ, 1 ऐड करता हूँ, अब मेरी रेशो क्या होगी, 3 ratio 4। तो अगर आपने सेम नंबर से किसी रेशो को डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया ना, वो चेंज नहीं होगी, बट आपने एडिशन कर दिया या साइमल्टेनियसली आपने माइनस कर दिया या सब्ट्रैक्शन कर दिया, माई रेशो विल गोइंग टू बी चेंज। ये आपने कभी नहीं होने देना, बस ये याद रखना। बाकी रेशो प्रोपोर्शन आपका 1% नहीं छूटेगा, जुड़िए मेरे साथ, बैच की डिटेल आपको पता चल चुकी है। तो जो नंबर 4 था मेरे पास स्टूडेंट, वो कितना होगा, 1/4 मल्टीप्लाई करो, जो 16 था वो कितना रह गया, 1, यानी कितने का चेंज आया, 15 का चेंज आया 16 पे। अब इसका मुझे परसेंटेज निकालना है। अब इसका मुझे दो तरीके हैं, जो एक नॉर्मल बच्चा है वो क्या करने वाला है, वो मल्टीप्लाई 100 करने वाला है, बट जो मेरा स्टूडेंट है, जो अभिमन्यु आईएएस का स्टूडेंट है, वो कैसे करेगा, वैसे नहीं करेगा, मैं बताता हूँ कैसे करेगा, वो ऑप्शन की तरफ जाएगा और ऑप्शन को भी कैसे क्रैक करेगा मैं बता देता हूँ। सपोज करो आप कहोगे ठीक है सर, 15/16 तो 93 के आसपास आंसर आएगा मेरा, बट अगर 93 के भी 2-3 ऑप्शन हो फिर क्या करोगे। मैं अभी आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जस्ट मुझे इसको रबाउट करने दीजिए, सॉरी। देखिए अगर मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊँ आपको, सपोज करो यूपीएससी ने तो बहुत स्मार्ट नहीं खेला, मैं बोलता हूँ ये होता है मेरा 93.9% ई, ठीक है, ये होता है मेरा 93.8%, ये होता है मेरा 93.70%, ठीक है 25, फिर क्या करते हैं आप लोग, फिर तो सॉल्व करना पड़ता। इस केस में भी जो हमारे स्टूडेंट है उन्होंने बाजी मारी, कैसे देखो 15/16 इसको मैं ऐसे लिखूं 1 minus 1/16 लिख सकता हूं, 1 minus 1/16। अब खेल कैसे चेंज होता है, देखो जब मैं 100% की स्टूडेंट्स वैल्यू बात करता हूं, 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 100% होगी, माइनस ऑफ 1/16। देखो अगर मैं 25% की बात करता हूं, ये कितना होता है 1/4, अगर मुझे 1/16 चाहिए तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसे मतलब डिवाइड करो, इसे 4 से डिवाइड करो, ये कितना आ गया 6.25%, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/16। हम स्टूडेंट को रटवाते नहीं, पहली बात, आज तक किसी भी स्टूडेंट को ये वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग वैल्यू डिपेंड अपॉन माई सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, कि मेरी क्वेश्चन में सिचुएशन क्या, उसके हिसाब से मैं परसेंटेज वैल्यू बनाऊंगा। मैंने रटना नहीं है किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी, वैल्यूज रटोगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज रट के जाओगे, बट मैं आपको मॉडरेट सॉल्यूशन बताऊंगा कि हाँ अगर ये आ रहा है तो कैसे करना है, ये आ रहा है तो कैसे, इस ये आ रहा है तो उसको कैसे टैकल करना आपने, क्लियर। तो इसका मतलब क्या, 1/16 की वैल्यू कितनी हुई 6.25%। अब 1 में से 0.25 करोगे 0.75 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में था आपके, ऑप्शन नंबर डी में। अगर सारे के सारे नंबर्स एक तरह भी आते हैं तो, क्योंकि कल को आज लेंथी पेपर था, कल को कैलकुलेटिव पेपर डाल दिया तो क्या करेंगे, छोड़ के थोड़ी ना होगे। दैट इज द वे ऑफ टीचिंग इन आवर सीसेट बैच। मैं आपको छोटी सी झलकी दे रहा हूं, बिकॉज जब एक बार बैच स्टार्ट होगा तो बहुत मजा आने वाला है, क्लियर। चलिए चलिए सुनो, नेक्स्ट इज इन एन एग्जामिनेशन, ये भी परसेंटेज का, तो बेसिकली वेन डायग्राम के अंडर क्वेश्चन आता है, बट परसेंटेज के अंदर इसको डील करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, मतलब पास इन इंग्लिश 80%, यानी फेल इन इंग्लिश कितने मेरे पास 20%,
70% स्टूडेंट पास इन हिंदी, पास इन हिंदी 70%, तो फेल इन हिंदी कितना हो मेरे पास 30%, 15% फेल इन बोथ, मतलब फेल इन इंग्लिश प्लस हिंदी कितना हो गया मेरे पास 15% हो गया। क्लियर? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। देखो अब मेरे पास यहाँ पे फेल है, मेरे पास एक्चुअली होता क्या, देखो इंटरसेक्शन होता है एक, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं इंटरसेक्शन की बता देता हूँ, दैट इज माई कॉमन रीजन। बट ये बात ध्यान रखना, इसमें करना क्या है, कॉमन रीजन उसी का लेना जो मेरे पास वैलिड है। जैसे अगर मैं फेल इन इंग्लिश की बात करूँ, कितना मेरे पास 20%, यानी ये टोटल मेरे पास जो सर्कल दिख रहा है ये कितना 20, ठीक है। नेक्स्ट फेल इन हिंदी की बात की जाए तो वो कितना होगा मेरे पास 30%, ये मेरे पास कॉमन रीजन है, यानी दोनों क्या है 15%। अगर टोटल मेरे पास, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ध्यान से समझना है एक बार आपने क्वेश्चन, अगर वो कह रहा है टोटल कितना है, ये कितना हुआ, अगर टोटल ये 20 है 15 हो गए तो 5 हो गए, इज इट विजिबल, यस। तो ये क्या है मेरे पास ओनली फेल इन इंग्लिश, मतलब ये वो स्टूडेंट हुए 5% जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है, ये कौन से हैं 15% फेल इन ओनली हिंदी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फेल इन ओनली वन सब्जेक्ट, यानी ओनली वन में 5 और 15 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 20%। तो थोड़ा सा सोचिए समझिए क्वेश्चन को, क्लियर, इजी था भी क्वेश्चन। चलिए अब इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको एग्जाम में, मुझे तो ये नहीं पता चला। What percentage of water must be added या mixed with honey so as to gain 20% by selling the mixture at cost price of the honey? बताओ, कुछ नहीं बिल्कुल, इसका आंसर चुपचाप ये है। देखो कैसे, सपोज करो सबसे पहली बात, वाटर जो आप ऐड करोगे ना उसका सीपी क्या है मेरे पास, उसका सीपी मेरे पास 0 है, मुझे कोई पैसा देना होता पानी के लिए, ठीक है। अगर आपने माना हनी 100 रुपये का लिया आपने, ठीक है, बट आप कर क्या रहे हो कि उसको बेचना कितने पे, आप उसमें से देखो क्या कर सकते हो, आप उसको ज़्यादा पे लगाओगे, आपने बोला भी मैं तो 120 रुपये का बेचना है, ठीक है, तो कितनी मिलावट करनी पड़ेगी 20, दैट्स इट, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा सोचना नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक 5 क्वेश्चनों में आता है क्वेश्चन जब हम करवाते हैं, क्लियर। चलिए सो अगेन आई मस्ट से, बहुत अच्छा मौका आपके पास, क्योंकि देखो मैं एक बात हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ फराटेदार आंसर किन बच्चों ने लगाया होगा, जिन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस की होगी। हमारे बैच के बच्चे तो हैं, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डे वन से सी सेट की तैयारी करते हैं, बिकॉज एंड में आके क्या होता है आपके पास जीएस का इतना ज़्यादा आपके पास प्रेशर हो जाता है ना, आप सी सेट को पूरा टाइम दे नहीं पाते, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या किया जाए, बस पढ़ लो जैसे तैसे, क्यों ना डे वन से वो तैयारी की जाए, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा स्टेमिना क्रिएट किया जाए। अगर मुझे रेस भागनी है तो ये थोड़ी ना कि रेस के 4 दिन पहले मैं अगर भाग लूंगा तो हो जाएगा, नहीं, आपको धीरे धीरे स्टेमिना बिल्डअप करना पड़ेगा। आपको मॉक टेस्ट, सब आपकी मॉक टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है इसमें, मॉक टेस्ट सीरीज हो गया, आपको देखो एक लेक्चर है उस लेक्चर के साथ क्या मिलेगा, लेक्चर के साथ आपको आपके वेब नोट्स मिलेंगे, आपको लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, पर टॉपिक का टेस्ट मिलेगा आपको। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले वेब नोट्स क्या आपके पास, मैं बता दूं थोड़ा डिटेल में आपको, वेब नोट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर का थ्योरी पार्ट होता है वेब नोट। नंबर दो पे क्या होता है, लेक्चर की पीडीएफ, लेक्चर की पीडीएफ क्या होगी, जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाने वो पीडीएफ के तौर पे आपके पास होंगे और वो पहले ही आपको पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे पास क्या रहता है, मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन बैच रहता है मेरे पास, ये मेरे पास क्या रहता है, मेरा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच रहता है, क्लियर। नंबर तीन पे क्या होता है, टॉपिक टेस्ट। कहने का मतलब क्या है,
कि मुझे जैसे ही मेरा कोई टॉपिक खत्म हो, सपोज करो मेरा प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन खत्म हुआ, एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन खत्म हुए, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस किया कोई भी टॉपिक है उसका मुझे एक टेस्ट लगा मिलेगा 15 से 20 क्वेश्चन का विद डिटेल सोल्यूशन, ठीक है। फिर आपको मिलता है 30 मिनट का डाउट सेशन हर लेक्चर के साथ। अब इस 30 मिनट के डाउट सेशन में क्या आता है आपके पास, इस 30 मिनट के डाउट सेशन में हम प्रिडिक्शन करते हैं, हम देखते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि क्या आपकी गलतियां रही, कि क्या क्वेश्चन आपसे हो गए तो वेल एंड गुड है, जो क्वेश्चन नहीं हुए वो क्यों नहीं है, वो यहाँ पे हम डाउट सेशन में करते हैं। और ये फैसिलिटी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सब के लिए मिलेगी, ऐसा नहीं कि एप्टीट्यूड के लिए, क्लियर। सो जल्दी ही बैच में एनरोल होने के लिए प्लीज इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जल्दी ही नए बैच की अनाउंसमेंट भी आपके पास आ जाएगी। यस, हम वेबिनार भी करेंगे, टाइम पे सब होगा, बट पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए, आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉर डिटेल्स, क्लियर। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। चलिए चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट इज, अब देखो ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, परसेंटेज वाला, करो जरा। इफ एक्स परसेंट ऑफ वाई एंड वाई परसेंट ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपको एक चीज बतानी है मुझे। देखो अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सोचो, सॉल्व करने से पहले थोड़ा सोचो। देखो मेरे पास एक क्या है, एक इक्वेशन है, फाइंड आउट 20% ऑफ 10, ठीक है, नंबर दो पे है, फाइंड आउट 10% ऑफ 20, फाइंड आउट करो सर। इस क्वेश्चन को अगर फाइंड आउट कर लोगे आपका जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है खत्म है। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लेके आऊँ कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो, एक नई चीज आपको सीखने को मिले अभिमन्यु आयस के साथ, सनी सर के साथ, ठीक है। देखो 20% ऑफ 10 का मतलब क्या है, बाई 20 बाय 100 ऑफ 10, यानी दो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, 10 बटे 100 गुना 20 आ गया। अरे भाई ये भी दो आ गया, ये क्या मतलब हुआ। यस, अगर आप बोलो x परसेंट ऑफ y या बोलो y परसेंट ऑफ x, बोथ आर सेम, बताने को मैं वर्बली भी बता सकता था बट मैंने विद प्रूफ बताया आपको क्यों ऐसा हो रहा है, क्लियर। तो डेप्थ में चीजों को समझोगे तो बहुत मजा आता है चीजों को करने का। सी सेट कोई बोझ नहीं है, इंजॉय है, हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं अभिमन्यु के, वो इंजॉय करते हैं इसको, दे लिटरली टेक चैलेंजेस। सर और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दो ना, सर ये क्वेश्चन तो हो रहे हैं, मुझे इवन कई स्टूडेंट्स ने भी बोला है सर 2023 का पेपर आसान लग रहा है, इससे मुश्किल कुछ दे सकते हो, तो उनके लिए अलग से असाइनमेंट देनी पड़ी। हाँ करिए कोई बात नहीं, आपको लग रहा है आप करो, क्योंकि उनको एंड में टास्क दिया था मैंने एग्जाम से कम 20-25 दिन पहले कि 2023 का पेपर किसी ने नहीं करना, वो हम करेंगे बाद में, क्लियर है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए थे बैच में, बट एंड में जब मैंने करने को बोला ना उन्होंने किया, और इसीलिए उनका पेपर भी अच्छा हुआ क्योंकि उन्होंने डेप्थ में समझे चीज़ों को, क्वालिफिकेशन की तो बात ही नहीं, मार्क्स आएंगे। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा, एक्स परसेंट ऑफ वाई, वाई परसेंट ऑफ एक्स, आंसर इज नन ऑफ दिस, यानी क्या आएगा मेरे पास, इज इक्वल टू बी आएगा, ठीक है, स्मॉलर ग्रेटर देन। चलिए चलिए सुनो, नेक्स्ट इज, चलिए अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, आज स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, बताइए कितना एरर होगा कैलकुलेशन में इसकी। देखो आज स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर बाय 3/5, एक नंबर को 3/5 से किया, मुझे क्या करना है, करना किसे था, 5/3 से, मैं आपको नंबर नहीं लिख रहा, मैंने आपको बताया था कि जब आप सिंगल नंबर की बात करो तो हमेशा कैंसिल आउट होगा, मुझे सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज या मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले नंबर को देखना है, समझा की बात। तो ये कितना हो गया, तो 25 था, कितना रह गया 9, यानी स्टूडेंट 16 का चेंज आया कितने पे, 25 पे गुना ऑफ 100%, 25 चौके 16 चौके कितना हो गया 64%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल मी एट 9517777। जो बच्चा सीरियस होगा ना अपने करियर को लेके, वो तो जुड़ता है मेरे साथ, वो बातें करता है। आप अगर इस पे डाउट भी भेजोगे ना, उसका सलूशन भी भेजता हूँ आपको मैं, कि अगर आपको कोई डाउट है बेसिक मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या आपके इंग्लिश का हो, तो डेफिनेटली आपको डिटेल सलूशन मिलता है, क्लियर।
चलिए, तो होपफुली ये क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, चलिए द इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन बी, द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन सी, व्हाट परसेंटेज लेस इज एज इनकम फ्रॉम सी इनकम, ए और सी। देखो ए एंड बी, इनकम ऑफ ए इज 20% हायर देन बी, 20% का मतलब क्या हुआ मेरे पास, 1/5, एक ही ज्यादा है, ये 5 आ गया, 6 आ गया। द इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन सी, 25 का मतलब कितना, 1/4, लेस देन सी 4 था तो 3 आ गया स्टूडेंट्स, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। आंसर बताओ, आंसर खत्म है, बस आप रेशो बनाने, जो फाइनल रेशो हमारी, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5, 5 × 20, 5 × 15 और 6 × 18, क्लियर। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट परसेंटेज लेस एज इनकम फ्रॉम सीज इनकम, एक इनकम कितनी कम है, 2, किसकी से, बी से गुना ऑफ 100%, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर सी 10% इज द राइट आंसर, क्लियर। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस हैं ये, अब आपके पास, अब आपके लिए इजी हैं क्योंकि आपको मैंने कंपैरिजन दिखा दिया, ये क्वेश्चन क्लास के हैं, माफ कीजिए क्लास के कह रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर के नहीं है, ये कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ले गया था ताकि आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक आज की क्लास का, द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ अ बनाना एंड द कॉस्ट ऑफ अ बनाना इज 25% लेस देन दैट ऑफ गुआवा, इफ द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट इज इंक्रीज बाय 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ 4 बनाना 2 एप्पल एंड 3 गुआवा इज, करिए क्वेश्चन। देखो द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज ट्वाइस ऑफ बनाना, कॉस्ट ऑफ एप्पल इज ट्वाइस देन बनाना एंड द कॉस्ट ऑफ बनाना इज 25% लेस देन गुआवा, 25% का मतलब 1/4, यानी गुआवा से 25% कम है तो 4 × 3 एक, और ये कितना आएगा 3 आएगा, क्लियर। तो ये कितना गया 4, ये कितना गया 3 और ये कितना आ गया 3 × 2 = 6, मैं 60, 30 और 40 बोल सकता हूँ इसे, मैं मेरी मर्जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लेके दिखाया कि जब भी मैं रेशो लेता हूँ, मैं अगर किसी सिंगल नंबर से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, माई रेशो विल नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, क्लियर। अब मुझे क्या बोला जा रहा है, देन द परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज ऑफ 4 बनाओ, कॉस्ट ऑफ 4 बनाना, यानी 4 बनाना कितने के आएंगे 120 के, अच्छा 2 एप्पल कितने के आएंगे 120 के, अच्छा एंड मेरे पास क्या है 3 गुआवास, ये भी कितने आएंगे 120 के, यानी जब मैंने इनको खरीदा तो मेरे को कितने पैसे खर्च करने पड़े 360। अब मुझे वो क्या कह रहे हैं, इनके रेट में प्राइस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एप्पल बनाना एंड गुआवा कितना हो गया 60, 30 एंड 40, कितने का इंक्रीजमेंट हुआ 10, अगर 10 का इंक्रीमेंट हुआ तो यहां से कितने का इंक्रीमेंट मिलेगा 66 हो गया, यहां से भी 10 का मिलेगा 33 हो गया, यहां से भी 10 का मिलेगा कितना हो गया 44 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना इसको, ज्यादा वो नहीं करना कैलकुलेशन में, 6 रुपए बढ़े, 1 के 6 बढ़े तो 2 के लिए कितना बड़ा होगा 12, 1 के लिए 3 तो 4 के लिए 12 बड़ा होगा, यहां पे भी 1 के लिए 4 तो 2 के लिए 3 के लिए कितना बड़ा होगा, एक मिनट, पहले के लिए 2, 4, 3, यहाँ भी 12 बड़ा होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे 2 एप्पल 4 बनाना, 1 एप्पल 6 रुपये का बड़ा है तो 2 एप्पल 12 रुपये के बड़े, 1 एप्पल अगर मेरे पास सॉरी 1 बनाना 3 का बड़ा है तो 4 × 12 के, 1 गुआवा अगर 4 × 3 × 12 के, तो मुझे एक्चुअली में कितने इंक्रीमेंट मिल रहे हैं 36 का, अल्टीमेटली कितना पैसा खर्च किया था 360 था पहले, मतलब इंटू ऑफ 100%, तो आंसर कितना आ गया, आंसर इज 10%, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बैचेस में करवाए जाते हैं मेरे पास, ताकि बच्चे को दिक्कत ना आए, हम रूट्स पे काम करेंगे, हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता मेरे साथ आइए, मैंने आपको कंपैरिजन दिखा दिया, मैंने आपको पेपर के सोल्यूशन दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, अब इसके बाद तो सिर्फ आपके एनरोलमेंट की देरी है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो चलिए ये मेरे पास बैच की डिटेल्स है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्लियर।
सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बोर्ड में अवेलेबल रहेगा। आपको इस नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज करना है, पूरा एप्टीट्यूड, पूरा लॉजिकल रीजनिंग, पूरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एडवांस मोटिवेटेड मेथड के साथ करेंगे और जल्दी ही हम शुरू करेंगे अपनी 2025 का सफर। जैसे 2024 में भी हमने बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए, तो 2025 में भी हम ऑन टारगेट रहेंगे। क्लियर? सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू।